आदेश। मैं चंद्रनाथ अगोदी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अगोदी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन साधना लेके आया हूं, और ऐसी साधना मैं लेके आया हूं कि जितनी साधना की मैं तारीफ करूं इतनी कमी कम है, क्योंकि ये साधना पूर्ण रूप से गुरुमुखी और गुरु गद्दी से प्राप्त सभी साधनाओं की भांति है, ठीक है, और बहुत ही अचूक और दुर्लभ साधना है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि ये ना तो किसी बुक में आपको मिले, ना किसी किताब में इनका उल्लेख नहीं मिलेगा, बुक या सोशल मीडिया पे उल्लेख जो मिले, जो हम आपको दे रहे हैं, ये गुरु परंपरागत और गुरु गद्दी से ही प्राप्त होने वाली साधनाएं हैं और मंत्र हैं, जो कि बहुत ही अचूक और प्योर देसी लैंग्वेज में और शावर मंत्र साधना है और प्रॉपर देसी साधना है। इनका जो प्रचलन होता है ये आपको गांव देहात में मिलेगा, और गुरु गद्दी से प्राप्त यानी कि गुरु ही अपने शिष्यों को प्रदान करते हैं। तो आज की साधना शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से कहूँगा जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तंत्र लाइन में रुचि रखते हैं, या वो गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं और वो वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो एक से एक अद्भुत और अचूक और दुर्लभ साधनाओं के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो भी हम आध्यात्मिक क्षेत्र से रिलेटिव या तंत्र लाइन से रिलेटिव कोई भी साधना लेके आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टाइटल क्या है? आज की जो वीडियो है वो है वशीकरण स्पेशलिस्ट मंत्र साधना। अब ये जो मैं आपको आज साधना दे रहा हूँ ये नहार सिंह वीर की साधना है, जो कि केवल वशीकरण पे ही इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, और वशीकरण स्पेशलिस्ट ही है। इस मंत्र से केवल वशीकरण ही हो सकता है और बहुत ही अचूक और दुर्लभ साधना है। इस पे तीन क्रियाएं की जाती हैं। कैसे की जाती हैं? लौंग वशीकरण, फूल वशीकरण और पुतली वशीकरण, जो कभी भी निष्फल नहीं जाता है। यानी कि अगर इस साधना को सिद्ध करने के बाद अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रयोग को कर दिया तो कभी भी विफल नहीं जाएगा, 100% काम होगा, 101% वर्क करेगा, क्योंकि ये पूर्ण रूप से परीक्षित और प्रमाणित साधना है। और इनका प्रयोग अधिकतर जो तांत्रिक ओझा होते हैं, जो इनके जानकार होते हैं, वो इन्हीं का प्रयोग करते हैं कि साहब लौंग खिला दी, लौंग से वशीकरण हो गया, फूल शुंगा दिया, किसी को फूल दे दिया तो फूल से वशीकरण हो गया, तो मंत्र द्वारा उनको सिद्ध किया जाता है, लौंगों को सिद्ध करके दिया जाता है जाप करके तब जाके। और एक पुतली वशीकरण होता है जो शमशान में क्रिया की जाती है, ठीक है, आटे की, गेहूँ के आटे का पुतला बनाया जाता है और उसमें जो लौंग होती हैं वो लौंग पढ़ के उसके वेदी में डाली जाती हैं, यानी कि बॉडी में, सीने में, हर जोड़ पे लौंग गाड़ी जाती हैं नौ, और उसके बाद उसको वहीं गाड़ दिया जाता है यानी गणंत दे दिया जाता है, और 101 जब वो क्रिया संपन्न हो जाती है तो 101% वो काम होता ही होता है, लेकिन विधि तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि बस मंत्र पढ़ दिया और हो गया काम। और ये वो वशीकरण है जो सहज काटा भी नहीं जा सकता, हर व्यक्ति इसको नहीं काट सकता। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार ये साधना आप कर सकते हैं, ठीक है। इस साधना को करने के लिए सबसे पहले ये जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, मंत्र भी दूंगा इस साधना में, यानी कि वीडियो में आपको मंत्र भी मिल जाएगा। जो मंत्र है उस मंत्र को आपको किसी भी पूर्णिमा या अमावस्या पे 108 बार जाप करने के बाद इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध कैसे करना है? रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण काल, होली, दीपावली, इस पे आप सिद्ध कर सकते हैं, यानी मंत्र को जागृत, यानी जागृत मंत्र को जब आप करेंगे तो पहले पूर्णिमा, अमावस्या या ग्रहण काल में मंत्र को जागृत करेंगे या होली दीपावली पे। जागृत करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा वो सुन लीजिएगा। 8 पुड़ी बनानी है आटे की, यानी गेहूं के आटे की 8 पुड़ी, आठोई, अटवाई भी बोलते हैं उसको, आठोई भी बोलते हैं, तो 8 पुड़ी बनानी है। 9 लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, ठीक है,
एक देसी दारू की सवा बोतल, देसी दारू की सवा बोतल और एक देसी मुर्गा, ये आपको जब आप होली दीपावली ग्रहण काल या पूर्णिमा अमावस्या पे मंत्र को जागृत करें तो आपको एक माला जाप करके, पहले एक माला जाप कर लें, सारा भोग लगाने के बाद जो देसी दारू है और जो देसी दारू का खप्पर लगाना है यानी कि धार देनी है, जो मुर्गा है वो आपको लास्ट में बलि स्वरूप देना है। तो करना क्या है, सबसे पहले 108 बार दीपक सरसों के तेल का रहेगा, इसमें आसन कुशाका या काले रंग का, माला रुद्राक्ष, वस्त्र काले और दिशा दक्षिण, ठीक है। उसके बाद दक्षिण मुख हो करके बैठ जाइए, दीपक सरसों के तेल का प्रज्वलित कर लीजिए और उसके बाद में प्रज्वलित करने के बाद मंत्र का जाप शुरू कर दें। एक माला जाप करना है और एक माला जाप करने के बाद में उपले पे या फिर आम की लकड़ी पे 108 आहुति शराब से हमें देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मुर्गा बलि दे देनी है। फिर मंत्र से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, चाहे तो आप नित्य यानी प्रतिदिन एक माला का जाप कर सकते हैं 108 बार। कोई बड़ा मंत्र नहीं है, छोटा मंत्र कोई भी आदमी 1 घंटे में बड़े आराम से संपन्न कर सकता है। अब आती है इसको सिद्ध करने की बारी, यानी कि मंत्र तो जागृत कर लिया आपने, जागृत करने के बाद में अब आती है इसको सिद्ध करने की बारी कि किस प्रकार हम ये मंत्र सिद्ध करें यानी कि साधना करें। तो किसी भी नवरात्रि में ये 9 दिन जाप करना पड़ेगा आपको। 9 दिन में भोग स्वयं ही रहेगा, जैसे कि आपको पहले दिन 8 पुड़ी, 9 लौंग का जोड़ा, बतासा कपूर, देसी दारू, मुर्गा नहीं देना है, मुर्गा आपको 9वें दिन देना है, ठीक है। तो ये प्रतिदिन भोग देना है और जो पुड़ी है वो पहले दिन और लास्ट वाले दिन देनी है, बाकी लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर ये डेली देना है और दारू की धार देनी डेली यानी प्रतिदिन देनी है। उसके बाद नवरात्रि में विधि विधान वही आसन कुशाका या काला, माला रुद्राक्ष, वस्त्र काले, दिशा दक्षिण, और ये साधना आप अपने घर पे ही संपन्न कर सकते हैं, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक एकांत कमरा चाहिए, एकांत कमरा होने के बाद उस कमरे में किसी की आवाजाही ना हो, आपको डिस्टर्ब ना करे कोई, और ध्यान से सुने, साधना काल में ब्रह्मचर्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही ड्रिंक करनी है, ना कोई नशा करना है। और विशेष बात ये, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी साधक या कोई भी जो आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि रखते हैं तो वो जो भी काम करे जन कल्याण के उद्देश्य से करे, कभी किसी की देह बेटी के लिए वशीकरण या कोई भी क्रिया ना करके दे, क्योंकि गलत करोगे तो गलत ही पाओगे, ठीक है। तो जब भी करे जन कल्याण, किसी की बेटी गलत संगत में, बेटा गलत संगत में, किसी का बहू या किसी की वाइफ, मतलब है कि गलत संगत में पड़ गई है, हस्बैंड गलत संगत में पड़ गया है, तो कहने का मतलब है कि घर जोड़ने वाला काम जो सामाजिक नज़रों में सही हो वही काम करना चाहिए। नहीं तो ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं है जिसके आगे पीछे सांसारिक यानी कि नाते रिश्ते ना हो, तो जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो सही उद्देश्य से करें, सही लालच में आके कोई भी गलत काम ना करें। प्रेमी प्रेमी का वशीकरण भी उसी प्रकार करें। अगर आपको शादी करनी है, किसी की लाइफ से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपकी प्रेमिका आपको, आप उससे शादी करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूज, मतलब कहने का मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं इस मंत्र का इस्तेमाल करके और अपनी मनचाही, मतलब जो आप चाहते हैं वो पूरा कर लूं, तो भाई हो तो जाएगा, लेकिन क्या भोगना पड़ेगा जीवन में आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो भी करें बड़े सही तरीके से करें। तो विधि विधान मैंने दे दिया है आपको और बड़ा सिंपल सा विधि विधान है, कोई इसमें कोई ज़्यादा ना खर्च है आपका, ना ज़्यादा आडंबर है, ना ज़्यादा ये करना है वो करना है। और नवरात्रि में आप इस साधना को करेंगे तो एक माला प्रतिदिन करेंगे और लास्ट वाले दिन फिर वही, चाहे तो 1008 आहुति डाल दें आप, या फिर चाहे तो 108 आहुति डाल दें, मंत्र सिद्ध हो जाएगा और 101% वर्क करेगा। तो ये जो साधना है पूर्ण रूप से गुरुमुखी है। और इसका प्रयोग कैसे करना है, तो ये प्रयोग विधि मैं उन्हीं साधकों को दूंगा जो इस साधना को करना चाहते हैं और जेन्युइन में वो जन कल्याण के लिए करना चाहते हैं, इस्तेमाल के लिए, जन कल्याण इस्तेमाल के लिए करना चाहते हैं। तो मंत्र मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ आपको, मंत्र पढ़ के ही पता चल जाएगा कि मंत्र देसी है और बिल्कुल प्योर देसी लैंग्वेज में है और बहुत ही पावरफुल मंत्र है, और इतना पावरफुल है कि
आपकी सोच से परे है, ठीक है। तो ये साधना है लौंग वशीकरण, पुतली वशीकरण और फूल वशीकरण, और जो कि पूर्ण रूप से परीक्षित और प्रमाणित है और 100% वध करता है। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि हमने सभी वीडियो के कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिए हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो उसमें फर्जी नंबर लोग छोड़ते हैं। जैसे आपने बहुत सारे मैसेज पढ़े होंगे कि गुरुजी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, यानी कि सभी लड़कियों का मतलब फ़ोटो लगाएंगे, पूजा त्रिपाठी, पूजा नीतू, ये वो, मतलब ये पता नहीं कौन लोग हैं जो हमारे कमेंट बॉक्स में नंबर छोड़ते हैं। बहुत बार हमने उनको हिदायत दी, कई बार कॉल भी की उन नंबरों पे, तो वो सब फेंक होते हैं। तो इनके चक्कर में आके कई लोग मतलब उन नंबरों पे कॉल कर लेते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि वो ये गुरु जी का नंबर है, इनसे संपर्क करें, इन्होंने मेरा खोया प्यार वापस कर दिया, मेरा पति मुझे वापस दिला दिया। तो इसी के चलते बहुत सारे अभी एक एक साथ 200 200 400 400 मैसेज मतलब एक एक कमेंट बॉक्स में आ रहे थे। इसी के चलते सभी कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिया गया है। और दूसरी रीज़न ये है कि मैं जो बिजी हूँ थोड़ा सा आश्रम के काम के चलते इधर उधर भागा दौड़ी करनी पड़ रही है, क्योंकि आश्रम का काम मैं शुरू कराने जा रहा हूँ, और तो उसमें उसके कागजों की वेरिफिकेशन मतलब पूरी परमिशन वगैरह लेनी पड़ रही है, तो उसकी भागा दौड़ी में बिजी हूँ। इसी के चलते कॉल भी कम अटेंड हो पा रही है। तो कमेंट बॉक्स तो इसलिए ऑफ किए हैं, लेकिन आने वाले कुछ समय में यानी कि जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कमेंट का जवाब भी नहीं दे सकता, और जो फर्जी वो मैसेज थे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, उनको डिलीट करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता था। तो कहने का मतलब है कि कमेंट बॉक्स थोड़े दिनों में खुल जाएगा। तो आप ये और जिसको भी कोई भी जानकारी चाहिए तो सीधा संस्थान के नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। सभी वीडियो में हमारा आपको नंबर मिल जाएगा, नंबर एक ही नंबर है हमारा जो कि स्क्रीन पे फ्लैश होता मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर है हमारा 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। मंत्र आपको स्क्रीन पे फ्लैश होता दिख रहा होगा, मंत्र को पूरा कंठस्थ कर लें, और जिसको ये साधना करनी है और जो करना चाहता है वो सीधा हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल करें या व्हाट्सएप पे संपर्क करें। पूरी जानकारी दी जाएगी, साधना किस प्रकार की जाएगी उसका पूर्ण रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा हमारी तरफ से, और इस साधना का जो शुल्क है सभी साधनाओं की बात थी वो आपको पे करना पड़ेगा, और साधना विधि विधान सहित मंत्र सहित दे दी जाएगी। क्योंकि मंत्र यहाँ पर मैं पूरा नहीं दूंगा, क्योंकि पूरा दे दिया तो बहुत ज़्यादा इसको लोग उंगली करेंगे और कॉपी करेंगे और उल्टे सीधे कार्य करेंगे, तो इसी के चलते मंत्र पूरा नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बात, जो लोग गुरु पूर्णिमा को आना चाहते हैं, काफ़ी रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो जो लोग आना चाहते हैं वो जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लें, और ताकि फिर मैं रजिस्ट्रेशन कुछ दिनों में बंद कर दूंगा, 2 4 दिन रजिस्ट्रेशन और चालू हुए फिर उसके बाद बंद कर दूंगा, व्यवस्था में लग जाऊंगा, क्योंकि फिर गुरु पूर्णिमा की व्यवस्था ही पूरी करनी है, ठीक है। तो जो आना चाहते हैं, गुरु दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, शिव शक्ति परिवार से जुड़ना चाहते हैं, शिव शक्ति साधना केंद्र परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, दीक्षा लेना चाहते हैं और तंत्र लाइन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए, वेलकम है, आपका स्वागत है, और रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर पर कॉल कर लें, पूरी जानकारी दी जाएगी किस प्रकार रजिस्ट्रेशन होगा, कैसे आप आ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई साधना के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।